500 और 1000 रुपए की पुरानी नोटों को लेकर आरबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। आरबीआई की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है, जिसके बाद कई लोगों को लग रहा है 500 और 1000 का नोट वापस आने वाला है। देखिए, देश भर में हुई नोटबंदी के बाद में 500 और 1000 रुपए के नोटों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को बदलने को लेकर वायरल लेटर में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय डीमोनेटाइज्ड करेंसी नोट को एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ा दिया है। जब इस पोस्ट की जांच की गई तो गंभीरता को देखते हुए इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने इस मामले की जांच पड़ताल की और इसकी सच्चाई सामने आई है। पीआईबी ने इस वायरल फैक्ट पोस्ट को पूरी तरह से झूठा बताया है और पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि विदेशी नागरिकों के लिए 500 हजार के पुराने नोट की एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ाने का दावा पूरी तरह से फेक है। तो आपसे अनुरोध है कि फेक खबरें ना फैलाएं और ना ही फेक खबरों पर ध्यान दें।